रैंकिंग्स पर नजर डालते हैं एंड स्काईलाइट्स गेमिंग। ऑलराइट, आपको बता देते भी सीजन जो टाई ब्रेकर रहता है स्काईलाइट्स और ओआर दोनों के सेम पॉइंट्स है, बट रीसेंट चिकन डिनर जो आता है वो स्काईलाइट्स गेमिंग के पास आता है, क्योंकि ओआर के पास भी आया जरूर था बट स्काईलाइट्स के पास रीसेंट चिकन डिनर है, तो उसके बेसिस पर हमें यहां पर वो नजर आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड टाई ब्रेकर होता पोजीशन पॉइंट, फिर होता फिनिशेस, बट पहला टाई ब्रेकर स्काईलाइट्स एट द टॉप। बिल्कुल, दूसरे नंबर पे ओआर #2। बिल्कुल #2, मैं वही चीज बोलने वाला था कि वो कंसिस्टेंसी अभी मुझे समझ आया आदित्य ने क्यों बोला अपने इंटरव्यू में, हमें देखने को मिल रही है। तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिल जाएगी टीम आर ई स्पोर्ट्स, बढ़िया प्रदर्शन उनकी तरफ से भी है, 53 अंक हमें देखने को मिल रहे हैं। चौथे पायदान पे TSM, पांचवें पे टीम गॉडलाइक, छठे पे टीम टैक्टिकल स्पोर्ट्स। टैक्टिकल स्पोर्ट्स को आप देखिए शुरू के दो मैच में दो विनर चिकन डिनर, यानी कि 30 पोजीशन पॉइंट, वो जो 32 हमें देखने को मिल रहे हैं 30 पोजीशन पॉइंट उन्होंने दो ही मैच में निकाल दिए, बाकी के दो मैच में मात्र दो पोजीशन पॉइंट जो वो लेकर गए, और यही मेरा चिंता भी था बिकॉज टैक्टिकल स्पोर्ट ये सेम चीज उनका हमें क्वार्टर फाइनल्स में भी देखने को मिलता है कि शुरुआत अच्छी थी बट उसके बाद लड़खड़ाए थे। द सुपारी गैंग सातवें पायदान पे, 7C स्पोर्ट्स की बात करें वो हमको आठवें पायदान पर देखने को मिल जाएंगे। तो टॉप 8 टीम्स सबके जो अंक है वो 40 या 40 से ऊपर हमें देखने को मिलते हुए, और 16वां पायदान जो कट ऑफ पॉइंट है वो लगभग 24 अंक का, वो अभी के लिए 24। आप ये सोचिए क्यों ना, ऑब्वियसली कल परसों हर दिन बोले